हेलो एंड वेलकम ऑल। इस क्लास में आज मैं आपको बताऊंगी कि फ्रैक्शंस का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कैसे किया जाता है, और यहाँ पर मैं दो मेथड्स एक्सप्लेन करूंगी। तो पहला मेथड क्या कहता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस इज इक्वल डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको एक बार लिख के न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करके हमको आंसर मिल जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सब्ट्रैक्ट 4/9 फ्रॉम 7/9। अब इसमें जो बड़ा वाला फ्रैक्शन होगा वो पहले लिखा जाए, क्योंकि बड़े नंबर से ही छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होता है, छोटे से बड़ा नहीं होता है। तो 7/9 माइनस 4/9 लिखेंगे। अब यहाँ पर 9 क्या है, ये डिनोमिनेटर है, कॉमन है, इसलिए इसको एक बार लिखा जाएगा। उसके बाद 7 माइनस 4 लिखेंगे, ठीक है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 3 मिल जाएगा। अब 3 और 9 3 के टेबल से कट जाएगा, इसलिए इसको हम काट लेंगे। 3 1 3 3 3 9, और इसके बाद हमको मिलेगा आंसर 1/3। उसके बाद हमारा सेकेंड मेथड है सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अब यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हमको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। जो अनलाइक फ्रैक्शंस है मतलब जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, उसको हमको सेम करना पड़ेगा, तभी तो कॉमन लिया जाएगा, इसलिए उसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं 8 और 12, ये 4 के टेबल से कट जाएगा। 4 2 8 और 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस विद द एलसीएम एज कॉमन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हमको उसको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब एलसीएम 8 और 12 का क्या है, 4 × 2 × 3 विच कम्स आउट 24। हमको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमको डिनोमिनेटर में 24 मिल जाए। क्यों, क्योंकि एलसीएम जो है वो 24 आया है। तो 8 3 = 24, अगर हम 3 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, मतलब सेम होना चाहिए नंबर, ठीक है। तो 7 3 = 21 हो जाएगा, 8 3 = 24। उसी तरीके से 12 2 = 24 होता है, 2 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 = 10, 12 2 = 24। उसके बाद 21/24 माइनस 10/24, तो 21 में से जब हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 11, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11/24। अब ये किसी टेबल से कट नहीं सकता है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। ओके, थैंक यू क्लास।